हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज कर रही हूँ अपने ये अलमारी की सफाई। देखिए, मैंने इस साइड ससुर जी के कपड़े लगा लिए, पूरे बिखरे पड़े थे। और ये देखिए, मैं ये साड़ियाँ सारे अलमारी में सेट कर रही हूँ, सासू जी और अपनी दोनों। वैसे तो मैं बरेली में नहीं ले जाती हूँ साड़ी, ज़्यादा एक दो ही रखी हैं, तो मैं साड़ियाँ उनकी भी अपने भी साथ में सेट कर लेती हूँ। और ये बक्से में रखती हूँ मैं जो टीके के दिए हुए साड़ी हैं। तो ये अलमारी का लास्ट कोना बहुत गंदा हो चुका है, मैं इसको गीले कपड़े से पहले साफ कर लेती हूँ। तो अलमारी सेट करने के बाद मैंने ये सूरेग भी अच्छे से धो लिया था सुबह, और सारे जूते मैंने जितने भी हैं A to Z मशीन में डाल के एक दो चक्कर घुमा लिए थे, काफ़ी धूल हो रही थी। तो अब मैंने इनको अच्छे से सेट कर लिया। अब मैं इसकी कवर तो फट गया, तो इसको ये धोती से कवर कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि इसमें धूल ना जाए, फिर करूँगी मैं अपना आगे का काम। तो कुछ इस तरह से साड़ी के कवर से मैंने इसको कवर कर लिया है, ताकि धूल उल ना जाए। इस सीढ़ी के नीचे रखने वाला बना रखा है हमने। तो अब मैं फटाफट से अपने कपड़े तय करके अलमारी में सेट कर लेती हूँ। ये देखिए, अभी सूरज डूबने वाला है, 5 बजने वाले हैं, अभी भी यहाँ धूप है। देखिए, तो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दूसरी सुबह से। तो मैंने जो रात के बर्तन धोए थे, पहले मैं इनको जमा लेती हूँ। और मैंने इसमें रखा है गर्म पानी, सासू जी अपने लिए ले जा चुकी हैं गर्म पानी पीने के लिए। अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ पियेंगे, फिर वही डेली का रूटीन, चाय बनाना, गोबर फेंकना, सब कुछ नया होगा तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, वीडियो पर बने रहेगा। सासू माँ ने दूध निकाल लिया है, तो अब मैं एक गोट को झाड़ लेती हूँ गोबर का, बहुत कीचड़ कर रखा है गाय ने। मैंने कर दिया है पूरा क्लीन। अब मैं इसको डलिया में भरती हूँ, फिर खेत में फेंक के आऊंगी। अब हम जा रहे हैं सुबह सुबह गोबर फेंकने। कल भी आए थे, पर मैंने कल वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं फ़ोन लाना भूल गई थी। ये है हमारी जेठानी, ये जा रही है ऊपर कुडाखन, मेरा रास्ता है इधर से, ये है हमारा घर का रास्ता। अब मैं जल्दी से फेंक के आती हूँ, फिर बनाती हूँ वीडियो। आ गया हमारा खेत जहाँ पे गोबर बनाना है। अब मैं इसको फेंक देती हूँ यहाँ पे। जेठानी जी लोगों का ऊपर पे है ये पूरा, ओ वहाँ तक हमारा है, ऊपर चाची लोगों का है। तो इतना गोबर तो लालू ने बना रखा था। अब एक खाद को सही भी करना पड़ेगा, इसको मैं बाद में करूँगी कल, क्योंकि अभी नहा के आई हूँ, मन नहीं कर रहा अभी। ये देखिए, सरसों भी हो रखा है। इस बार खेती बहुत बेकार हो रही है क्योंकि टाइम से बारिश हो नहीं रही है। तो अब मैं फटाफट से जाती हूँ, जेठानी जी पहुँच गई होंगी मेरे पहले, उसके बाद हमको जाना है किसी का गजू लाने। तो हम आ चुके हैं गोबर फेंक के, हमारे लिए इसमें शाम का आटा रखा है, और ससुर जी के लिए मैं गूंद रही हूँ गेहूँ और मडवे का आटा। थोड़ा सा पलथन रख लेती हूँ, अब फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ, फिर लक्की नहा रहा है, उसको तेल भी लगाना है। गेहूँ और मडवे का आटा हो चुका है रेडी। अब मैं लक्की की मालिश कर लेती हूँ, रोटियां सास बनाएंगी क्योंकि आग में मेरे से अच्छी नहीं होती उतनी। तो मैं गजू लेके आ चुकी हूँ, पूरा 2 घंटे बाद आए हम। अब करती हूँ मैं खाने की तैयारी। ये लहसुन प्याज मैं छील लेती हूँ, फिर बनाऊंगी मैं दाल, अभी घर में कोई नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी धूप आ रखी है। ये जीजी ने डाले हैं यहाँ पर कपड़े, क्योंकि उनका नया कमरा बन रहा है, तो छत बन रहा है नया नया, तो वहाँ नहीं डाले हैं। ये देखिए बहुत अच्छी धूप आई है, कपड़े भी मैंने पलट लिए हैं। अब मैं फटाफट से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने लहसुन लहसुन छील लिया है, अब मैं इसको सिलबट्टे में अच्छे से पीस लेती हूँ, क्योंकि ऐसे कूटने से अच्छा टेस्ट आता है, वरना वो दाने दाने ऐसे ही साबुत रह जाते हैं। ये देखो हमारा सिलबट्टा, लक्कू को भी आता है पीसना, लक्कू पीस, देखो लक्की को भी आता है पीसना, पीसना अच्छे से, दोनों हाथ लगा। अभी लक्की पीस रहा है सिलबट्टे में, सिलबट्टे का टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है। ये देखो, ये देखो फेरी वाले भैया आए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वो ठीक रहते, आप उतार कपड़े ने लिया जाकेट
ये लड़की के लिए अम्मा ने पैजामा लिया है। बड़ा हो गया लड़की के लिए थोड़ा, ये पहनेगा इसको बड़ा हो जाएगा। अब इन्होंने 500 रुपए की जैकेट ले ली और पारो के लिए ले लिया एक गरम पैजामा 300 से 100 रुपए में आ गए। ये देखो अभी हम यहाँ पे चूप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कोई मोबाइल पे लगा है, कोई सो रहा है, ये धूप सेक रहे हैं। ये लड़की यहाँ पे चचरी सुन के सो रहा है वो लालो। अब हम सानते हैं चूप, फिर खाते हैं आराम से। तो नींबू वीबू खाने के बाद हो गया है शाम के खाने का टाइम। मैंने सब्जी उब्जी काट ली है और आगे को बस वही डेली का रूटीन। तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। अब मैं ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, तब बाय। ये देखिए शाम का व्यू।